कमरान एकेडमिक क्लास में आपका स्वागत है मैं कमरान अकमल आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह है एडिटेरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस टेस्ट थ्री और ये आपके एग्जाम के लिए अहम है तो शुरू करते हैं सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है विच इंडियन शिप्स वन टू सेंट पीटर्सबर्ग टू पार्टिसिपेट इन द नेवी डे ऑफ रशिया नेवी डे ऑफ रशिया जो तेईस जुलाई को वहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए हिंदुस्तान का कौन सा नेवी शिप गया था तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है आई एन एस तबार क्वेश्चन नंबर टू वेयर द इंडियन नेवी इज़ बिल्डिंग इट्स लार्जेस्ट नेवल बेस अंडर प्रोजेक्ट सी बर्ड अभी रिसेंटली अंडर प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत हिंदुस्तान के सबसे लार्जेस्ट नेवल बेस कहाँ पे बनाया जा रहा है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है कारवार कर्नाटका ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर थ्री हु हेज़ बिकम द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया अभी रिसेंटली किन को न्यू कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स ऑफ इंडिया बनाया गया है तो क्वेश्चन नंबर थ्री का जो करेक्ट आंसर है वो है दीपक दास लेकिन आपको पता होना चाहिए कि दीपक दास अभी नहीं रहे उनके जगह पर सोनाली सिंह को अभी न्यू जो है हिंदुस्तान के कंट्रोलर जनरल ऑफ़ अकाउंट्स ऑफ इंडिया बना दिया गया है तो सोनाली सिंह याद रखिएगा नाम वो इसमें नहीं है क्वेश्चन नंबर फोर कर्नल बिकू मल्ला संतोष बाबू बाबूहू वॉज़ मार्टेड इन द गलवान वैली वॉज अवार्डेड विथ विच नेशनल अवार्ड जो गलवान वैली में जो अटैक हुआ था उसमें कर्नल बिकू मल्ला संतोष बाबू भी मारे गए थे उनको किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो महावीर चक्र ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फाइव विच इंडियन शिप टुक पार्ट इन द ज्वाइंट एक्सरसाइज कोंकन ऑफ इंडिया एंड ब्रिटेन क्या भी जो ज्वाइंट एक्सरसाइज हुआ था इंडियन शिप का वो कोंकन जिसको हम एक्सरसाइज कोंकन के नाम से जानते हैं इंडिया और ब्रिटेन का उसमें हिंदुस्तान के कौन से शिप ने पार्टिसिपेट किया था तो इसके बारे में बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आई एन एस तबार तो ये भी आई एन एस तबार ही है क्वेश्चन नंबर सिक्स विच स्टेट लद्दाख विथ विच स्टेट लद्दाख है साइंड एग्रीमेंट टू मेक लद्दाख ऑर्गेनिक फार्मिंग अभी रिसेंटली लद्दाख ने किस स्टेट के साथ मिलकर एक एम यू किया है कि वह लद्दाख को ऑर्गेनिक फार्मिंग इस्टेट बनाएगा तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का जो करेक्ट आंसर है वह है सिक्किम तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर सेवन हु विल बी द शेरपा ऑफ इंडिया एट द जी ट्वेंटी सबमिट टू थाउजेंड ट्वेंटी इटली तो जी ट्वेंटी सब्मिट के जो शेरपा हैं अगर हम बात करते हैं तो हिंदुस्तान की तरफ से जो शेरपा बनाया गया है वह है पीयूष गोयल और इसी के साथ साथ आपको यह पता होना चाहिए कि जी ट्वेंटी का जो समिट 2021 में हुआ था वो रोम इटली में हुआ था 2022 में बाली इंडोनेशिया में होना है और 2023 में हिंदुस्तान में होगा और उसमें भी खास तौर से सेक्रेटेरिएट भी बना दिया गया है उसमें हिंदुस्तान के पीएम नरेंद्र मोदी जी हेड होंगे उसी के साथ साथ उसमें रक्षा मिनिस्टर अमित शाह होंगे निर्मला सीतारमन होंगे जयशंकर होंगे और पीयूष गोयल होंगे क्वेश्चन नंबर एट विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कैंपेनिंग टू इनकरेज स्पेसिफिक क्राफ्ट एंड प्रोडक्ट्स कभी रिसेंटली किस स्टेट ने ये लॉन्च किया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ताकि उसके जरिए से स्पेसिफ़िक क्राफ्ट एंड प्रोडक्ट्स को क्या किया जाए बढ़ावा दिया जा सके तो क्वेश्चन नंबर एट का जो करेक्ट आंसर है वह है उत्तर प्रदेश क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर नाइन अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ व्हाट परसेंट विल इंडिया जीडीपी ग्रोथ बी, इन द फाइनेंशियल ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू आई एम एफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अकॉर्डिंग इंडिया का जीडीपी डी पी ग्रोथ रेट फाइनेंशियल ईयर दो हज़ार इक्कीस बाईस में कितना होगा तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नाइन पॉइंट फाइव तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर टेन बिहार हैज़ बीन लिंक्ड विथ विच स्टेट अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान कभी रिसेंटली बिहार जो है किस स्टेट के साथ मिलकर एक माह किया है जिसमें यह होगा एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान तो क्वेश्चन नंबर टेन का जो करेक्ट आंसर है वह है त्रिपुरा और मिजोरम के साथ मिलकर जो बिहार को लिंक किया गया है और तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी क्वेश्चन नंबर 11 स्पेस ट्रांसपोर्ट कंपनी स्पेस एक्स लॉन्च रिकॉर्ड हाउ मेनी सैटेलाइट अंडर अ सिंगल मिशन के स्पेस एक्स के जिसके अभी हेड सी जो है एलन मस्क है एक ही लॉन्च के जरिए से मैक्सिमम जो है कितने सैटेलाइट को भेजा गया था तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है 143 143 क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व विच स्टेट बिकेम फर्स्ट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी ऑफ लीजिंग आउट एग्रीकल्चर लैंड के लीज़ करने के लिए एग्रीकल्चर लैंड जो होगा उसको लीज़ किया जाएगा तो इस इसको किस स्टेट में पहली मरतबा इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का जो करेक्ट आंसर है वह है उत्तराखंड ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टीन विच बिकेम द फर्स्ट विलेज इन इंडिया टू अचीव वन हंड्रेड परसेंट वैक्सीनेशन कवरेज अगेंस्ट कोविड नाइन्टीन कि सबसे पहला कौन सा गांव बना जहां पे 100 परसेंट जो है पूरी तरीके से वैक्सीनेशन किया गया तो क्वेश्चन नंबर थर्टीन का जो करेक्ट आंसर है वह है वायान तो अगर हम वय के बारे में बात करते हैं तो यह है जम्मू एंड कश्मीर में क्वेश्चन नंबर फोर्टीन वेन द टारगेट ऑफ कनेक्टिंग सिक्स लाख विलेजेस ऑफ इंडिया टू द इंटरनेट विल बी अचीव्ड कि हिंदुस्तान के सिक्स छः लाख जो गांव हैं उसको हिंदुस्तान के इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया जाएगा इसको कब तक अचीव किया जा सकता है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी 2024 तक क्वेश्चन नंबर 15 व्हेन इज़ द नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेटेड हिंदुस्तान में नेशनल हैंडलूम डे के कब सेलिब्रेट किया जाता है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए सात अगस्त को क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज द चेयरमैन ऑफ द कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द मैटर्स रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस का अभी रिसेंटली एक कमेटी बनाई गई है जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड है तो उसके चेयरमैन कौन होंगे तो क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अगर हम बात करते हैं वह है ऑप्शन ए आशीष सिराढ़ोकर क्वेश्चन नंबर सेवनटीन चंडीगढ़ वेटरन मैन मैन कौर पास्ट अवे ही वॉज़ रिलेटेड टू विस फील्ड अभी वहाँ के वेटरन मैन कौर मान कौर जो है अभी उनका देहांत हो गया है उनका एसोसिएशन किस फील्ड से था तो क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए ऑप्शन सी एथलीट और काफ़ी ये ओल्ड थी अप्रोक्स सौ के करीब में थी सौ साल की हो गई थी वो और अभी भी वो काफ़ी इनर्जेटिक थी और एथलीट में पार्टिसिपेट करती रहती थी क्वेश्चन नंबर एट्टीन हु बिकेम द वोमे सिंगल सिंगल विनर ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टाइटल टू थाउजेंड इक्कीस दो हज़ार इक्कीस के ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टाइटल के विनर कौन है तो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है अश्ली बार्टी तो ये याद रखिएगा और इसी के साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि 2022 में भी जो जीतने वाली हैं वो भी असली बार्टी ही हैं तो 2017 में भी और इसी के साथ साथ दो सॉरी इसमें जो है खास से अगर हम बात करते हैं कि इसमें जो जीती हैं वो नोआमी ओसाका जीती हैं और 2022 का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है उसको एस्टली बाटी जीती है क्वेश्चन नंबर 19 होज ऑटोबायोग्राफी बायोग्राफी इज डिस्क्राइब इन द रिसेंटली पब्लिश्ड बुक अनफिनिश्ड एक ये मेमोयर लिखी गई है ऑटोबायोग्राफी अनफिनिश्ड इसको किसने लिखा है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी प्रियंका चोपड़ा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी विच स्टेट गोट द बेस्ट डब्ल्यू अवार्ड इन द सेकेंड सेवेंटी सेकेंड रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया तो अगर हम ट्वेंटी के बारे में बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा झांकी का जो अवार्ड दिया गया था उत्तर प्रदेश को दिया गया था और इसी के साथ साथ 2022 में भी जो दिया गया है वो उत्तर प्रदेश को ही दिया गया है और इस साल एक अवार्ड को और ऐड किया गया था और वो था पब्लिक चॉइस अवार्ड उसके लिए महाराष्ट्र की जो झांकी है उसको दिया गया था और बेस्ट कंटीजेंट के लिए जो दिया गया था वो इंडियन नेवी को दिया गया था क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन ऑन हुज बर्थ एनिवर्सरी द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज़ इनाउंस टू सेलिब्रेट पराक्रम दिवस एवरी ईयर ऑन ट्वेंटी थर्ड जनवरी कि किन के बर्थ एनिवर्सरी पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ये डिसाइड किया है कि वो हर साल पराक्रम दिवस को सेलिब्रेट करेगा तेईस जनवरी को तो अगर हम इसके बारे में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन का तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ कंस्ट्रक्टिंग आठ सौ पचास मेगावाट कैपेसिटी रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन विच रिवर के इसको चार सौ आठ सौ पचास मेगावाट कैपेसिटी रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस नदी के ऊपर बनाया जा रहा है तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी चेनाब क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री हु हैज़ बिकम द न्यू कॉपरेशन मिनिस्टर ऑफ़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के न्यू कॉपरेशन मिनिस्टर किन को बनाया गया है इंडिया का तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं वह है अमित शाह और आपको पता होनी चाहिए कि इससे पहले हिंदुस्तान में कॉपरेशन मिनिस्टर मिनिस्टर नहीं होते थे और यह पहली मरतबा किया गया है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर इन विच कंट्री डिड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर अनविल द स्टेचू ऑफ महात्मा गांधी इन जुलाई हिंदुस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने किस कंट्री में महात्मा गांधी के मुजस्मे को अनावरण किया था तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फ़ाइव का जो करेक्ट आंसर है वह है जॉर्जिया तो क्वेश्चन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ़ स्टोनिया इस्टोनिया की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव का जो करेक्ट आंसर है वह है कज़ा अगर हम बात करते हैं कि क्रिस्टली कलेजुलेड है ये इनका पूरा नाम अगर हम बात करते हैं कि ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर काजा कल्लास पहली मरतबा ये एस्टोनिया की प्राइम मिनिस्टर बनी है काज़ा कल्लास क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स फॉर विच बुक डिड अनामिका गेट साहित्य एकेडमी अवार्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर हिंदी लैंग्वेज के उनकी किस बुक के लिए दो हज़ार बीस में है? अनामिका को साहित्य एकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स का जो करेक्ट आंसर है वह है टोकरी में दिगान गाथा तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन विथ विच कंट्री डिड इन इंडिया कंडक्ट द दस्तलिक सेकेंड एक्सरसाइज दस्तलिक सेकेंड एक्सरसाइज़ को हिंदुस्तान ने किस कंट्री के साथ कंडक्ट किया था तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है उज्बेकिस्तान तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर और उसी के साथ साथ सबसे पहली मर्तबा जो किया गया था वो दो हज़ार उन्नीस में किया गया था और इस मरतबा जो किया गया है वो रानी खेत उत्तराखंड में मार्च के महीने में किया गया है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट वाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स टू थाउजेंड ट्वेंटी वन दो हज़ार इक्कीस का ग्लोबल पीस इंडेक्स में हिंदुस्तान की रैंकिंग क्या है तो 28 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए 135 135 रैंक रहा है हिंदुस्तान का एक कंट्री में तो इस तरीके से हिंदुस्तान का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेटर नहीं है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर मिसाइल एंड वेपन ट्रैक ट्रैकिंग शिप हिंदुस्तान का पहली मरतबा ये मिसाइल और वेपन ट्रैकिंग शिप बनाया गया है तो वो कौन सा है आई विगारा आईएनएस आई हंस आई धुरो, एन धुरो एंड आई विक्रांत तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए आई एस धुरो क्वेश्चन नंबर थर्टी सी ब्रेकर मिसाइल इज़ द फिफ्थ जनरेशन मिसाइल ऑफ़ विच कंट्री सी ब्रेकर मिसाइल जो है ये फिफ्थ जनरेशन ऑफ मिसाइल है किस कंट्री का तो क्वेश्चन नंबर थर्टी का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी इसराइल क्वेश्चन नंबर थर्टी वन हैज बिकम द सिक्सटी नाइन्थ ग्रांड चेस ग्रांड मास्टर ऑफ इंडिया उनहत्तरवा चेस ग्रांड मास्टर ऑफ इंडिया कौन बने तो क्वेश्चन नंबर थर्टी वन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अगर हम बात करते हैं कि वह है हर्षित राजा तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टी टू इन विच कंट्री हॉरिकन इदा कॉज्ड है हावुक रिसेंटली अभी रिसेंटली एक हॉरिकॉन ईदा से कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हुई है तो क्वेश्चन नंबर थर्टी टू का जो करेक्ट आंसर है वह है यूएस और वहाँ पर खासतौर से अगर हम बात करते हैं छब्बीस अगस्त में आया था ये जिसने अमरीका को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया था ये साइक्लोन क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री हो बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड फॉर वन डे ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे गर् नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे के मौके पर उत्तराखंड में किस लड़की को एक दिन के लिए सी एम बनाया गया था तो क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री का जो करेक्ट आंसर है वह है सृष्टि गोस्वामी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिमूव द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड केप्ट अंडर विच मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अभी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज़ को मिनिस्ट्री ऑफ इंडिस से हटा के उसको किस मंत्रालय में रख दिया है तो क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव विच लैंग्वेज हैज़ बिन इंक्लूडेड इन द कंडक्ट ऑफ नीट टू थाउजेंड ट्वेंटी वन एग्ज़ाम रिसेंटली नीट एग्ज़ाम जो है और किस किस लैंग्वेज में लिया जाएगा और कौन से लैंग्वेज को इसमें एड ऑन किया गया है तो क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो बहुत सारे लैंग्वेज जिसमें पंजाबी मलयालम लैंग्वेज को ऐड किया गया है और उसी के साथ साथ उसमें बहुत सारे ज़बान थर्टीन लैंग्वेज़ में नीट एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाता है तो पंजाबी और मलयालम को ऐड किया गया है क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स एट विच प्लेस द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अप्रूवड अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ फ़ॉर स्टोरिंग क्रूड आयल फॉर कमर्शियल एंड इस्ट्रेटेजिक परपजेज़ अभी हिंदुस्तान के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह डिसाइड किया है कि वो कहाँ पर खासतौर से क्रूड आयल जो होगा उसको कमर्शियल और इस्ट्रेटेजिक परपज़ के लिए इस्टोर करके रखेगा तो क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वह है चंदीखोल एंड पुडूर तो ऑप्शन वन भी हो जाएगा और बी भी है तो इस तरीके से अगर हम सही से देखें इसमें कि जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द जापान प्रेस्टिजियस एवॉर्ड फकूका ग्रांड एवार्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी वन फकूका फकूका ग्रांड एवार्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी वन से किन को सम्मानित किया गया है तो क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है पी साइनाथ ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टी एट हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन द अंडर ट्वेंटी वर्ल्ड एथलेट चैम्पियनशिप हेल्ड इन केन्या अभी केन्या में जो रिसेंटली अंडर ट्वेंटी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ था उसमें हिंदुस्तान ने कितने मेडल को जीता है तो क्वेश्चन नंबर थर्टी एट का जो करेक्ट आंसर अगर हम बात करते हैं तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन वट वॉज द मस्कद ऑफ द टोक्यो ओलंपिक टू थाउजेंड ट्वेंटी हेल्ड इन जापान के मस्कत क्या था वहाँ का तो अगर हम बात करते हैं कि वहाँ के मस्कत के बारे में तो क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन भी मिरातोवा क्वेश्चन नंबर फोर्टी विच कंट्री हैज बीन डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली डब्ल्यू एच ओ ने रिसेंटली ये डिक्लेयर किया है कि किस कंट्री से मलेरिया पूरी तरीके से समाप्त हो गया है ख़त्म हो गया है तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का जो करेक्ट आंसर है वह है चाइना क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन हुम द फॉलोइंग इज़ नॉट एमंग रिशिपेंट ऑफ द नोबल प्राइज़ इन फिज़िक्स रिसेंटली इसमें से किन को जो है रिसेंटली फिज़िक्स में नोबल प्राइज़ से सम्मानित नहीं किया गया है तो क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी यानी कि अर्देन को नहीं दिया गया उसके अलावा तीनों लोगों को दिला गया दिलाया है इस बार क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड बैंक टू हेल्प द वर्कर्स ऑफ इंडिया टू गेट आउट ऑफ द क्राइसिस कॉश बाय द कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक अभी रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने आ, मदद प्रदान किया है हिंदुस्तान के खासतौर से जो भी वर्कर्स थे जो कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान उठाए हैं कि, कितना पैसा प्रदान किया गया है वर्ल्ड बैंक के ज़रिए से हिंदुस्तान को ताकि हिंदुस्तान के वर्कर को फ़ायदा पहुंचाया जा सके तो क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में बात करते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है पाँच मिलियन डॉलर क्वेश्चन नंबर 43 थ्री विच पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च बाई द डिफेंस मिनिस्ट्री टू प्रोवाइड पेंशन टू इट्स सोल्जर अभी रिसेंटली डिफेंस मिनिस्ट्री के ज़रिए से एक ऐप लॉन्च किया गया था जो पेंशन को पेंशन uh, प्रोवाइड करेगा सोल्जर्स को तो वह ऐप का नाम क्या है तो क्वेश्चन नंबर थ्री का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपको स्पर्श पोर्टल ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू प्रोवाइड प्योर पोर्टेबल वाटर थ्रू टैप्स ट्वेंटी फोर इंटू सेवन आवर्स तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है अगर हम बात करते हैं पूरी जहाँ पे ट्वेंटी फोर इंटू सेवन आवर जो है प्योर पानी आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव हु वॉज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू अफगानिस्तान एट द टाइम ऑफ तालिबान अटैक कि जब तालिबान ने अटैक किया था उस वक्त हिंदुस्तान में अफगानिस्तान में हिंदुस्तान के तरफ से एम्बेसडर कौन थे तो क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है रुदेंद्र टन क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स विच मेडल डिड असाम्स बॉक्सर लुलीना भार्गवा विन इन द टोक्यो ओलम्पिक तो इसका जो करेक्ट आंसर है उनको ब्रॉन्ज से सम्मानित किया गया था वेयर इज द हेराला उत्सव सेलिब्रेशन इन द एयर इन द जॉय ऑफ प्लांटिंग अ न्यू अवक्रोप तो अभी रिसेंटली हरेला उत्सव कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था किस स्टेट में तो क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए उत्तराखंड क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट हु गोट द गोल्डन पिकॉक अवार्ड फॉर द बेस्ट फिल्म एट आई एफ एफ आई टू थाउजेंड ट्वेंटी में किन को गोल्डन पिकॉक एवार्ड से सम्मानित किया गया तो क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट का जो करेक्ट आंसर है वह है इन टू द डार्कनेस क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन वे डज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट सोलर पार्क कैपेसिटी जो है वो संतानवे सौ पचास मेगावाट का है बनाया जाएगा तो इसका जो उनचास का करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है गुजरात एंड लास्ट क्वेश्चन जो है वो ये है विच ईयर इज़ डिक्लेयर्ड बाई द यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोर्स क्रिल्स तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी कोर्स क्रील्स यानी कि ईयरस ऑफ मिलेट और ख़ास तौर से इसका डिमांड हिंदुस्तान ने रखा था तो ये है इम्पॉर्टेंट एम जो प्रैक्टिस टेस्ट है करंट अफेयर से एडिटेरिया का जो आप सबके लिए ज़्यादा यूज़फुल है इसी तरह के मजीद अपडेट पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए वंस अगेन थैंक यू सो मच